नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास एक साल है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में, यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके आए, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी आबादी का बहाना बना के जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि साहब हम क्या करें यहां की आबादी ज्यादा है हम इसके लिए कैसे काम करें, अगले चुनाव में उसको उसकी आबादी कम कर देना, उसकी उसकी संख्या कम कर देना विधानसभा में अगले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली मॉडल देख लिया है, उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी अपनी विधानसभा में बहुत लोग रहते हैं, आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे, क्योंकि ये डिबेट से वही भागता है जिसने काम नहीं किया। आज डिबेट की चुनौती दे के भाग गए, आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहां पे। उत्तर प्रदेश में चार साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है उसकी खामियां बताने से लेके उसके कुकर्म गिनाने से लेके उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है और वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं खाली नाम, अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या, ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। अब मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों में से भी और आम आदमी में से भी जो यहां उपस्थित हैं, अभी यूपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है, हमारी तरफ से तो चल रही है, वो भाग गए तो भाग गए, अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए। एक सेकंड, एक करके सवाल लेते हैं, एक प्लीज, एक करके सवाल, एक करके सवाल लेते हैं, मॉडल से शुरुआत करते हैं, मॉडल पे बात, एक मिनट उन्होंने पहले बोला था, उन्होंने पहले बोला था ना, आप ही के साथ ही है ना, आईडी का झगड़ा मत बनाओ इसको, इनका सवाल आने दो, हाँ जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खुली बहस के लिए मुझे कहा था, जब उन्होंने नहीं दिया मैंने उनसे मांगा टाइम, उन्होंने नहीं दिया तो मैंने दे दिया, क्या आ जाइए। दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों में दोनों का अनुपात क्या है, दिल्ली में सरकारी स्कूल इस समय ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? मैं आपको बता देता हूँ सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक उसी का जवाब दे रहा हूँ, दोनों का बताइए, लंबा नहीं, अगर जवाब आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर मेरा जवाब सुन लें, ठीक है, तो मैं जवाब दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी होते तो यूपी की स्थिति अच्छे से बताते, पर है नहीं, जो मुझे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है। मैं दिल्ली में भी आता, मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पर बहस करने आया हूँ और उस पर सवालों के जवाब देने आया हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पे ही बात करूंगा। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए ना मित्र, कौन से अखबार से हैं? मैं दिनेश शर्मा हूं, swatantravad.com से। अच्छा ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50-50% है, दिल्ली में 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, अरे भाई आप ऐसे ऐसे सवाल स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते, स्कूलों में बच्चे ही पढ़ते, बच्चों के स्कूल के बारे में बात कर रहे हो ना, बीजेपी नेताओं के स्कूल के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना, 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, है? अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे मुझे पता है 1.5 करोड़ है या 1.5 लाख होंगे, अब सिद्धार्थनाथ सिंह जी योगी जी 1.5 करोड़ 1.5 लाख स्कूलों के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी 1000 के मुख्यमंत्री हैं, आपका प्रश्न क्या है बताइए। ये
लेकिन दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? क्या सरकारी स्कूलों का अनुपात बढ़ा है? क्या वही अनुपात है? बिल्कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 62% है। बाकी प्राइवेट है 62% के अलावा। ठीक है, अब हो गया, आप पूछिए, आप सवाल पूछिए, अब हो गया आपका, आप पूछिए, आप पूछिए। ये bjp.com से तो नहीं आया ना सवाल? ये सवाल bjp.com से तो नहीं आ रहा ना? ये डेटा पूछिए। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, एक मिनट मैडम, वो भी बोल रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। चलिए बीजेपी का मेरा एक रिक्वेस्ट है, सही डेटा पे सवाल करिए, वरना फोटोशॉप की दुकान तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी। bjp.com पे बहुत सारा फर्जी डेटा होगा, मिलेगा आपको, आइए। आपके पास आपके पास कोई सवाल ही नहीं आ पाइए? एक मिनट, दूसरे सवाल सुनिए। मॉडल जॉब नहीं है, ये स्कूल है, तो इसमें ये कंपेयर करना ही हमको लगता है बेमानी। बाकी चीज आपने दिखाई, ठीक ठीक, आप ओपिनियन कर सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवाल क्या आता है? ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा था कि बहस कर लो, हमारे बहस करने के लिए आपका हाँ जी हाँ जी। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल अच्छे हों, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिल्ली में 70% लोगों को 80% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मिले। तो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग अपनी फ्री बिजली के लिए अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहानेबाज मंत्री देख लिए कि साहब आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, या आप बजट भी तो ज्यादा है, और फिर आपका जॉब है, आप जिस जॉब के लिए पर्चा भरने जाते हो दाखिल करने, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की सेवा करने का जॉब है। आप अगर नाकाबिल हैं, अगर आप नाकाम हैं, आपको नहीं आता है कि 1.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों की सेवा कैसे करनी है, तो नहीं अप्लाई करते। आपने अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी पीछे पड़ी थी जी कि बड़ी प्रदेश के आप नौकरी ले लीजिए, आपने अप्लाई करके नौकरी ली थी। अब आप कह रहे हो आबादी ज्यादा है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते, ये तो बहाना है। मैडम सर जी, और पत्रकार दो और सुन लीजिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी जब से आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग, तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर एक साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे और, तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। चलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता भी तय कर लेगी, थोड़ा सर्वे थोड़ी तय करेंगे सारा। खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।